शनिवार दोपहर करीब 3 बजे दुर्ग कोतवाली थाना में सूचना मिली कि बस स्टैंड दुर्ग में दो लोग नवीन ट्रेवल्स की बस में बैग के अंदर सोना लेकर जा रहे थे। तत्काल बस ड्राइवर ने उन्हें रोका और चेक कर पुलिस को इस बात की सूचना दी है। घटना शनिवार की है, जब पुलिस को सूचना मिली कि बस में बड़ी मात्रा में सोना ले जाया जा रहा है। सूचना पर दुर्ग कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर जाकर तस्दीक की और दो व्यक्ति एवं बैग को जब्ती कर दुर्ग कोतवाली थाना लाया गया। तस्दीक करने पर बैग में 7 पार्सल में सोना पाया गया, जिसमें 2 पार्सल खुले थे। दुर्ग कोतवाली पुलिस द्वारा तौल कर पता किया गया, जिसमें कुल 21 किलो सोने के जेवरात एवं कच्चा सोना पाया गया, जिसकी जांच कर दोनों व्यक्ति से पूछताछ की गई, जिन्होंने अपने द्वारा रायपुर एवं राजनांदगांव के विभिन्न सराफा व्यापारियों का सोना होना बताया और कागजात के साथ सोने को मुंबई, सूरत, कोलकाता एवं जयपुर डिलीवरी करने की बात कही गई। बताए गए बिल एवं दस्तावेज की तस्दीक की गई और उक्त सोने का मालिकाना और कागजात ठीक एवं वैध पाने पर दोनों व्यक्तियों को सोना सुपुर्द किया गया और गवाहों के समक्ष वैधानिक कार्रवाई की गई और रोजनामचा रिपोर्ट डाली गई। रायपुर से मुंबई के लिए वाया दुर्ग 7 डब्बों में 21 किलो 60 ग्राम सोना भेजा जा रहा था। करीब 2:30 बजे दुर्ग बस स्टैंड में रूटीन चेकिंग में बस कंडक्टर ने जब 2 डब्बों को खोला तो उसमें सोने के बिस्किट, सोने के ईंटे पाए गए। वहां पे अफरा तफरी मच गई और पैसेंजर्स और कंडक्टर ने दुर्ग थाना कोतवाली को इसकी सूचना दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस पहुंची, सभी डब्बों को जब्त किया गया, थाना लाया गया, थाने में जब्ती पंचनामा बनाया गया, सभी डब्बों का वेट किया गया, वजन 21 किलो 60 ग्राम आया, कागजात लिए गए, कुछ कागजात उसी समय प्रस्तुत किए गए, बाकी कागजात मालिक द्वारा भिजवाया गया। सभी कागजात लेने के बाद पंचनामा करके जो है वापस मालिक को सुपुर्दनामे में दिया गया। निश्चित रूप से बस के द्वारा इस बड़ी संख्या में सोने को भेजना एक लापरवाही कहा जा सकता है। पूर्व में भी सोने को बस में भेजने से चोरी के बड़ी घटनाएं हुई हैं। दुर्ग में एक चोरी 5 करोड़ से ऊपर के सोने की पास्ट में हो रखी है। ये सोना ऐसे भेजने पे आपस में चाकूबाजी, लूट, हत्या और कोई भी बड़ी अपराध भी हो सकती है। मालिकों को और भेजने वाले कुरियर एजेंसी को भी समझाइश दी गई और उनको जो हिदायतें दी गई और इसकी पुनरावृत्ति ना करने के लिए बताया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट।